न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शायर के चार लाइन में कहना चाहता हूं। एक हमारे नेता ने पहले, मैं कहना चाहूंगा, कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये इनको याद रखना होगा। और देश की जनता ने तय किया है कि कमल का फूल हमारी भूख, ये देश की जनता ने तय किया है। अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार लाइन एक शेर का देना चाहूंगा कि न न धर्म की बात हो, न जात की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, मेरी नींद को दिक्कत न भजन से न अजान से, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान, खुदकुशी करते हुए किसान से, किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी के जिंदगी के जख्मों पर दवा लगाकर तो देखो, किसी के जिंदगी के जख्मों पर दवा लगाकर तो देखो, लोगों की मेहनत मशक्कत पर उंगलियां उठाने वालों, समझ में आ जाएगा मूल्य हर देशवासी का, जरा कभी आंख खोलकर सर उठाकर तो देखो। धन्यवाद। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता की पहुंच से दूर हो रहे हैं, किसान पूरे देश में खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं, व्यापारी अभी उठ नहीं पाया जीएसटी और नोटबंदी की मार से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब तो आपको बने हुए पूरे 4 साल होने वाले हैं, इन 4 सालों में आपने बहुत जुमले सुना ले हैं, एक बार सच सच बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। और मैं कहना चाहूंगा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का इरादा कहां गया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया, कब तक इस देश के नौजवान बेरोजगारी की आग में जलेंगे या फिर BA MA करके पकौड़े तलेंगे। सफर में धूप तो होगी,
सफर में दुख तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।